नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से निकेश रेट्स में। आज मैं आपके लाया हूँ 45 गज का जड़ से बना हुआ मकान और काफ़ी अच्छा हमने ये बना रखा है। अगर रोड की बात करूँ 20 फीट की आपकी फ्रंट रोड होने वाली है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है। नियर बाय सारी मार्केट्स, आपको मॉल्स, पार्क वगैरह सब मिलने वाले हैं। बने रहे। अपने मकान के फ्रंट एलिवेशन पे आप देख सकते हैं। अगर बाहर के रोड की बात करो तो 20 फीट का आपको अच्छा वाइल्ड रोड मिलने वाला है। और इधर का भी रोड दिखा दें, इधर का भी आपको वाइल्ड रोड मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कार खड़ी हुई है, तब भी एक कार जाने का रास्ता आपको मिल जाता है। अब फ्रंट एलिवेशन की बात करो तो आप देख सकते हैं टाइल्स का हमने काम कर रखा है फ्रंट एलिवेशन पे, और ग्रिल आपके SSK यहाँ पर लगा रखी है। तो आइए एंटर करते हैं 45 गज के मकान में। आप देख सकते हैं एंटर करते ही आपको एक बड़ा सा आयरन का डोर मिल जाता है। आइए एंटर करते ही जो आपको एरिया मिलने वाला है, आप इसको बैठक की तरह यूज कर सकते हैं या फिर अपनी कार पार्किंग, आपको चाहे तो कार भी अपनी लगा सकते हैं या बाइक वगैरह आपको खड़ी करनी है वो भी इजीली आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ऊपर की बात करूँ तो 4 सीलिंग आप देख सकते हैं हमने करवा रखी है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी 4 सीलिंग हमने करवा रखी है, आप इधर से भी दिखा सकते हैं। पूरे में 4 सीलिंग हमने करा रखी है। और टाइल की बात करूँ तो 4-4 फीट तक हमने टाइल लगा रखी है। आइए तो एंटर करते ही सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है हमारा वॉशरूम। आप देख सकते हैं अगर वॉशरूम के भी साइज की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा साइज आपको मिल जाता है। और टैप्स वगैरह हम यहाँ पर आपको लगा के देंगे। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं एंड टू एंड तक टाइल्स लगा रखी है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप अपना दिल्ली जल बोर्ड का आपका मीटर लगेगा और जो आपकी मोटर है वो हम आपको यहाँ पे लगा के देंगे। आइए तो आप देख सकते हैं वॉशरूम जैसा कि आपने देखा, ये स्टेज हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। आप स्टेज पे भी काम देख सकते हैं, SSK हमने ग्रिल लगा रखी है। आइए तो ये आपको आपका एक बेडरूम मिलने वाला है। आप देख सकते हैं अगर इसके डायमेंशन की बात करो तो 10x12 का ये आपको एक अच्छा रूम साइज आपको ये मिलने वाला है। और ऊपर 4 सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, आप 4 सीलिंग भी देख सकते हैं। काफी अच्छी हमने 4 सीलिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं 4 सीलिंग आपको मिलने वाली है।
और इस वॉल पे आपको टेक्सचर डिजाइन सब करा के देंगे। और आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी मिलने वाली है। काफी अच्छा काम हमने कर रखा है। अगर नीचे की बात करूँ तो वेट्रीफाइड टाइल्स हमने देख सकते हैं फ्लोरिंग पे लगा रखी है। आ जाइए चलते हैं ऊपर की तरफ और मैं आपको ऊपर का भी फ्लोर दिखा देता हूँ। आ जाइए तो आप देख सकते हैं स्टेयर्स काफी कंफर्टेबल है इसकी। आ जाइए जैसे कि आपने ग्राउंड फ्लोर देखा, आ चुके अपने फर्स्ट फ्लोर पर। आइए तो हम एंट्री ले चुके हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। जैसे कि मैंने नीचे का डायमेंशन आपको बताया था 10x12 का, सेम डायमेंशन आपको मिलता है। इस वॉल पे हम आपको टेक्सचर डिजाइन जो है करवा के देंगे। और आप देख सकते हैं इस बेडरूम में आपको एक LED पैनल मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना 32-44 इंच का आराम से LED जो है लगा सकते हैं। अगर वेंटिलेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर विंडो मिलने वाली है, आप वेंटिलेशन यहाँ पर ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए तो आप देख सकते हैं अगर इस फ्लोरिंग की बात करें तो टाइल्स नीचे हमने यूज कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। और हम आ चुके हैं अपनी किचन में। आप किचन में देख सकते हैं किचन में भी हमने पूरी टाइल जो है लगा रखी है, जिससे आप काम कर रहे हैं किचन में तो आपका किचन जो है गंदा ना हो दीवार, तो टाइलें आप लगा रखी है हमने। आप देख सकते हैं जो पूरा किचन है पूरा मॉडुलर बना रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी चिमनी रहने वाली है, चिमनी का एग्जॉस्ट वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो टैप्स वगैरह हम सब आपको लगा के देने वाले हैं यहाँ पर। और पूरी मॉड्यूलर किचन है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बास्केट्स, पूरी मॉड्यूलर किचन है और काफी स्पेसियस किचन है। आप देख सकते हैं ऊपर के कैबिनेट्स की भी बात करो, आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है। एक बार दिखा दीजिए, काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। आप देख सकते हैं ये एडजस्टेबल है अगर आपके बड़े डब्बे हैं। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम जो है रहने वाला है, आप देख सकते हैं। अगर इसकी बात करूं डायमेंशन की तो अभी ये भी 10x12 का आपको मिलने वाला है। इस वॉल पे हम टेक्सचर डिजाइन यहाँ पे वॉल पेपर हम बोलेंगे, वॉल पेपर हम आपको लगवा देंगे। फोर सीलिंग उसमें हमने पहले से ही कर लेंगे, आप देख सकते हैं काफी अच्छी और यूनिक फोर सीलिंग जो है कर रखी है। आ जाइए बालकनी में, तो एक वॉशरूम आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है बालकनी पे, आप देख सकते हैं। शावर एरिया आपका यहाँ पे रहने वाला है। लगभग 7 फीट तक हमने यहाँ पे टाइलें जो है लगा रखी है। और गीजर पॉइंट आपका यहाँ पर रहने वाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी वेस्टर्न सीट जो है रहने वाली है। तो आइए मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ, आ जाइए। और बालकनी पे जो है आपको एक टैप लगा के देंगे, आप अपनी वॉशिंग मशीन जो है यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। आइए मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ, आ जाइए। तो हम आ चुके हैं अपनी रूम पे, आ जाइए आपको पूरी रूम दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं रूम पे भी हमने जो है टाइलों का वर्क जो है प्रॉपर कर रखा है, आप देख सकते हैं। बड़ी दिखा दीजिए, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी रूफ है। अगर आपको छोटा मोटा फंक्शन करना है तो आप अपनी रूफ पे ही कर सकते हैं। और ये था मेरा 45 गज का जट से बना हुआ मकान। आशा करता हूँ आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा। आइए मैं बाकी डिटेल्स आपको नीचे दे देता हूँ, आ जाइए। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा ये 45 गज का जट से बना हुआ मकान? आशा करता हूँ आप सभी को काफी पसंद आया होगा। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करो सिर्फ और सिर्फ 44,20,000 में इस आलीशान मकान को बना सकते हैं आप अपना। और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, ऊपर लिंक आ रहे होंगे। और कॉलिंग टाइम पे करा करिए, 10-11 बजे आप रात को कॉलिंग ना करा करें। यहाँ पर टाइम इसीलिए हमने डाला कि आप रात को 11-11 बजे भी कॉल करते हैं तो कृपया करके 11 बजे कॉल ना करा करें, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आप कहते हैं फिर कमेंट करते हैं आप नीचे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कॉल नहीं उठाता, तो 11 बजे आप कॉल करेंगे तो कहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो कृपा करके
जो अपनी कॉलिंग है सही समय पे करा करें, आपको पूरा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे हम। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।